हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द ऑपरेटर, वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशन। इन ऑपरेटर्स वी आल्सो डिस्कस अबाउट द लॉजिकल ऑपरेटर्स लाइक एज एंड ऑर। कल मैंने आपको एंड का बताया था कि व्हेन द पासवर्ड एंड यूजर नेम इज अ मैच देन दैट टाइम लॉगिन इज वैलिड, अदरवाइज इनवैलिड। सभी को लास्ट लेक्चर मैंने ऑपरेटर्स बताए थे। उसमें से लॉजिकल ऑपरेटर का एग्जांपल हुआ था एंड का। नाउ नेक्स्ट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का मतलब क्या है? अगर आपको कोई वैल्यू असाइन करनी है, दैट टाइम आप उस वेरिएबल का नाम लेफ्ट साइड पे लिखते हो और राइट साइड पे उसकी वैल्यू मेंशन करते हो। असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन द वैल्यू फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द ऑपरेटर टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल, वेयर परचेस प्राइस करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसको वैल्यू असाइन की है 100। ओके, तो उसको 100 वैल्यू असाइन करने के बाद, तो ये हुआ आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। जब हम वैल्यू असाइन करते हैं तो उस वैल्यू के साथ आप ऐड वैल्यू विद द असाइन माइनस भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं या मॉडुलस कर सकते हैं। तो उसको अगर आपको डिटेल में देखना है तो नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे देखो, पेज नंबर 59 पे, वेयर ए इज इक्वल टू 10, वेयर बी इज इक्वल टू 2, ए प्लस बी प्लस इज इक्वल टू बी। तो ए प्लस इक्वल टू, तो ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर में एडिशन के साथ वैल्यू असाइन की जाएगी। मतलब ए की वैल्यू ऑलरेडी आपने 10 डिक्लेयर की है और बी की वैल्यू 2 डिक्लेयर की है। तो 10 में 2 ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आंसर पेज नंबर 59 नेक्स्ट पेज। वहां पे एक प्रोग्राम दिया है, वो प्रोग्राम देखो। नेक्स्ट पेज, प्रोग्राम ओपन करना है। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड आफ्टरनून। ओके, तो मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर बताया आपको कि वेरिएबल परचेस प्राइस डिक्लेयर किया है और उसकी वैल्यू 100 असाइन की है। तो वैसे ही आप उस वेरिएबल के साथ आप अलग-अलग असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस करके। तो ये वाला जो प्रोग्राम दिया है आपके सामने, इसमें प्लस ऑपरेटर, प्लस असाइन ऑपरेटर यूज करके एक वैल्यू असाइन की है, तो उसका आउटपुट क्या आएगा वो हम देखेंगे। तो लाइक इन सेम वे तो प्रीवियस प्रोग्राम जैसे थे, टाइटल को क्लोज किया, देन हेड को क्लोज किया है। ये वाला टाइटल वाला पार्ट आता है आपके प्रोग्रामिंग फॉर्म के ऊपर। देन बॉडी में दिया है स्क्रिप्ट लैंग्वेज। बॉडी में सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट रहता है स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट एंड टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। वेयर इज ए इज इक्वल टू 10, वेयर बी इज इक्वल टू 2, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए और ए प्लस इज इक्वल टू बी। तो ए प्लस इज इक्वल टू बी का आंसर क्या आना चाहिए? 10 प्लस 2 मतलब 12 आना चाहिए। तो यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स है। कल कल के लेक्चर में हमने प्रॉम्प्ट बॉक्स, एक डायलॉग बॉक्स देखा था और एक अलर्ट बॉक्स देखा था। जब हम प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स यूज करते हैं तो उस टाइम पे ओके एंड कैंसिल ऐसे दो बटन नीचे आते हैं, और जब आप अलर्ट बॉक्स डिस्प्ले करते हो तो वहाँ पे सिर्फ ओके आता है।
प्रॉम्प्ट मैसेज, प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स हम नॉर्मली तब यूज करते हैं जब आप कोई टेक्स्ट में बॉक्स में आपको कोई वैल्यू डिस्प्ले करना है उस टाइम पे। यहाँ पे अलर्ट बॉक्स में आप डायरेक्टली मैसेज डिस्प्ले कर सकते हो। अलर्ट ए प्लस इज इक्वल टू बी इज और प्लस ए करके, मतलब उसके साथ हमें ए की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट क्यों किया है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ए प्लस बी होगा और ए प्लस बी होने के बाद उनका जो एडिशन है वो वैल्यू असाइन होगी ए को। दैट्स वाई यहाँ पे प्लस ए मतलब विद द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे आंसर आया है 12। उसी के नीचे देखो एक रेड बॉक्स प्रिंट हुआ है जहाँ पे 12 आंसर आया है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर था, प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को प्रोग्राम सिंपल प्रॉब्लम है असाइनमेंट का। वैसे ही आप माइनस का भी कर सकते हो, माइनस का मल्टीप्लाई का। तो ये असाइनमेंट के बाद नेक्स्ट पेज पे है कंपैरिजन ऑपरेटर। इन कंपैरिजन ऑपरेटर नॉर्मली कंपैरिजन ऑपरेटर में आता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू। तो ये वाले जो जब हमें चेक करना है कोई वैल्यू कि ए बी से बड़ा है क्या, तो मैसेज ए प्रिंट करो, या फिर ए इज लेस देन बी देन दिस मैसेज प्रिंट करो, तो उस टाइम पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप ले सकते हो कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 2 है, और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे नेक्स्ट लाइन पे लिखा ए इज ग्रेटर देन बी। अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन दैट टाइम पे हम मैसेज प्रिंट करेंगे ए इज ग्रेटर, अदरवाइज बी इज ग्रेटर। तो ये वाले जो है ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। यहाँ पे आप इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर नॉट इक्वल टू, इस तरह से कंपैरेटिव ऑपरेटर यूज कर सकते हो। और लास्ट में रहता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशन का मतलब क्या रहता है, कंडीशनल ऑपरेटर्स आर नथिंग बट इट दे आर यूज टू चेक द कंडीशंस। तो यहाँ पे अगर आपको कोई कंडीशन चेक करना है, कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो एक एक्सप्रेशन रहेगा उसके बाद वैल्यू 1 और वैल्यू 2 होगी। वैल्यू 1 ये रहता है कि अगर आपका आंसर ट्रू रहा, मतलब आंसर अगर जो भी कंडीशन दी एक्सप्रेशन दिया वो अगर सेटिस्फाइड रहा तो वैल्यू 1 प्रिंट होगा। अगर आपका जो एक्सप्रेशन दिया है उसका आंसर जो है वो फॉल्स आ रहा है, जो भी एक्सप्रेशन है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो दैट टाइम वैल्यू 2 प्रिंट होता है। तो अप्रूव्ड और रिजेक्टेड ये करके हमारा जो पार्ट है, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, एक्सप्रेशन में फॉर एग्जांपल दिया है आप कंडीशनल ऑपरेटर का एक एग्जांपल दिया है कि यूजर आईडी इज इक्वल टू स्कूबा बॉब एंड पासवर्ड इज इक्वल टू डाइविंग। जब दोनों कंडीशन मतलब यूजर आईडी स्कूबा बॉब और पासवर्ड उसका डाइविंग, ये दोनों मैच हो जाएंगे, तो फर्स्ट वाला जो मैसेज है इफ द बोथ द वैल्यूज आर ट्रू एंड बोथ द वैल्यूज आर मैच एंड लिखा है, बिकॉज एंड का मतलब क्या है, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, दैट टाइम फर्स्ट मैसेज और फर्स्ट वैल्यू इज प्रिंट, दैट इज अप्रूव्ड। एंड इफ द आंसर इज फॉल्स, मतलब अगर उसका आंसर ट्रू नहीं आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, देन दैट टाइम सेकेंड मैसेज रिजेक्टेड वैल्यू इज प्रिंटेड। ओके, तो ये थे ऑपरेटर्स, ये सिंपल वाला पार्ट था। अभी हम नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, डू यू हैव एनी क्वेरीज? देखो ऑलरेडी प्रोग्राम दिया है, उसका एग्जांपल भी दिया है, उसके सारे एक्सप्लेनेशन भी दिया है। जस्ट आपको एक एक पेज में अगर आप 1 बाय 1 जाओगे तो आपके सारे ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपेरेटिव ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, हर एक का एक एक एग्जाम्पल दिया है। जस्ट यू आपको वो एग्जाम्पल लिखना है और समझना है, रन करके देखोगे तो और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप पढ़ोगे तो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें फिर। हेलो, नेक्स्ट वाला पार्ट शुरू करूं मैं? ठीक है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट पार्ट है आपके सिलेबस का, कंडीशन स्टेटमेंट्स। ओके, तो कंडीशन स्टेटमेंट में आप लोगों ने ऑलरेडी पेज नंबर 69,
पेज नंबर 69 है। तो कंडीशन स्टेटमेंट में ऑलरेडी आप लोगों ने सी सी प्लस प्लस में भी देखा था, इफ एल्स कंडीशन होता है, फॉर लूप का कंडीशन होता है, डू व्हाइल का कंडीशन होता है। सेम कंडीशंस आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। सबसे पहला जो वाला कंडीशन आता है वो इफ एल्स से स्टार्ट होता है। अभी इफ एल्स का पार्ट आप, हेलो आ रही है आवाज? आ रही है वैभवी? हेलो वैभवी, ओके। देन जैसे आप कंडीशनल स्टेटमेंट थे वैसे ही कंडीशनल स्टेटमेंट है यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे पहला जो आता है वो रहता है इफ कंडीशन, इफ, ओनली इफ। देखो यहाँ पे आपने इफ एल्स देखा होगा, इफ देखा, सबसे पहले इफ से स्टार्ट होता है, देन इफ और एल्स होता है, देन इफ एल्स इफ होता है, देन ए इफ एल्स इफ और उसके बाद एल्स होता है। तो ये नेस्टेड इफ एल्स रहता है। उसके बाद नेक्स्ट रहता है स्विच केस, देन फॉर लूप, देन व्हाइल लूप। दीज आर द वेरियस कंडीशन स्टेटमेंट। ओके, तो उसमें से हम इफ से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम देखो। यहाँ पे भी अगेन हेड हेड वाले पार्ट में दिया है। हेड में जो टाइटल हम प्रिंट करते हैं, वैलिडेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड, हमें यूजर आईडी और पासवर्ड को वैलिडेट करना है। और बॉडी में दिया है स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। ओके, तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, वेर यूजर आईडी, और सेकेंड वेरिएबल डिक्लेयर किया है वेर पासवर्ड। अभी सबसे पहले यूजर आईडी, आप यूजर से इनपुट लेना है और पासवर्ड लेना पड़ेगा। तो इनपुट लेने के लिए कौन सा डायलॉग बॉक्स यूज करना पड़ेगा हमें? प्रॉम्प्ट। मैंने जैसे अभी बताया आपको कि अलर्ट बॉक्स नॉर्मली एक मैसेज प्रिंट करके ओके बटन आता है, लेकिन प्रॉम्प्ट में आपके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स भी आते हैं जहाँ पे वैल्यू आप इंसर्ट कर सकते हो, और नीचे ओके एंड कैंसिल ऐसे दो बटन आते हैं। तो आपको यूजर आईडी की वैल्यू गेट करनी है, तो गेट करते समय हम वहाँ पे अलर्ट बॉक्स यूज नहीं कर सकते। यूजर आईडी, प्रॉम्प्ट, देन प्रॉम्प्ट में यूजर आईडी, आपके सामने लेबल मैसेज आएगा, और उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स होगा नीचे जहाँ पे आप वैल्यू इंसर्ट करोगे, और नीचे ओके एंड कैंसिल का बटन होगा। देन यूजर आईडी के बाद आप पासवर्ड एंटर करोगे, पासवर्ड का भी एक टेक्स्ट बॉक्स होगा जहाँ पे ओके कैंसिल के दो बटन होंगे। आपने जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर किया है, उसके बाद आप कंडीशन दोगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं हम, तो कंडीशन रहेगा इफ यूजर आईडी इज इक्वल टू स्कूबा वॉप एंड पासवर्ड इज इक्वल टू डाइविंग। मतलब अभी दोनों कंडीशन एट ए टाइम चेक किए, कि जब यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों के दोनों मैच हो जाएंगे तो अलर्ट बॉक्स प्रिंट होगा और उसमें आएगा लॉगिन इज वैलिड। अभी इसमें सिर्फ इफ वाला पार्ट है, नॉट एल्स। एल्स वाला पार्ट नेक्स्ट इसमें है। तो इफ वाले कंडीशन, इफ स्टेटमेंट कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका? इफ वाला कंसेप्ट आपका कंप्लीट हुआ? हेलो, इफ वाला पार्ट कंप्लीट हुआ आप लोगों का? तो इफ के बाद नेक्स्ट वाला जो पार्ट आता है वो रहता है इफ एल्स। इन इफ एल्स वाले पार्ट में, अभी देखो ऊपर वाले पार्ट में सिर्फ इफ कंडीशन था, जहां पे हमारे यूजर आईडी और पासवर्ड अगर मैच होगा तो लॉगिन इज वैलिड। अभी हमें उसके उल्टा देना है कि अगर दोनों में से एक भी गलत रहा, यूजर आईडी या पासवर्ड अगर गलत इंसर्ट किया, तो हमारा एल्स वाला पार्ट रन होना चाहिए और वहां पे आना चाहिए लॉगिन इज इनवैलिड। तो ऊपर वाले सेम प्रोग्राम में नीचे एक वाला, नीचे एक हम ऐड करने वाले हैं। आप लोग प्रोग्राम पढ़ो, क्या दिया है प्रोग्राम में? सबसे पहले लाइन, इन दिस प्रोग्राम अगेन वहां पे चेक करना है कि यूजर आईडी क्या है स्कूबा बॉब, एंड इन पासवर्ड, पासवर्ड में देना है आपको डाइविंग। तो स्कूबा बॉब एंड डाइविंग जब दोनों कंसेप्ट, मतलब यूजर आईडी एंड पासवर्ड जब मैच हो जाएंगे, तो वहां पे आंसर आना चाहिए इफ लॉगिन इज वैलिड। और एल्स पार्ट में अगर जाएगा, ऊपर वाले पार्ट में हमने एल्स नहीं लिखा था, सिर्फ इफ लिखा था। तो यहाँ पे एल्स वाला पार्ट आएगा, और एल्स वाले पार्ट में एक मैसेज आप प्रिंट करोगे विद द हेल्प ऑफ अलर्ट बॉक्स,
तो अलर्ट बॉक्स में आप लिख सकते हो, अलर्ट बॉक्स में आप लिख सकते हो द लॉगिन इज इनवैलिड। ओके, सेम प्रोग्राम देखो, ये वाला जो प्रोग्राम आपने इफ वाला पढ़ा था उसके नीचे इफ एल्स वाला दिया है, विथ इफ एल्स स्टेटमेंट वाला, सब दिखाई दे रहा है क्या? तो इफ एल्स वाले पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में यूजर आईडी स्कूबा बॉप एंड पासवर्ड इज डाइविंग, तो लॉगिन इज वैलिड, एल्स लॉगिन इज इनवैलिड। समझ में आ रहा है? हाँ, सेमी कोलन, सेमी कोलन इज नॉट नेसेसरी इन जावास्क्रिप्ट। सेमी कोलन जावास्क्रिप्ट में जरूरी नहीं होता है, सेमी कोलन आर ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब आप जरूरी नहीं, आप बोल सकते हो कि उसको ऑप्शनल में कंसिडर कर सकते हो, देना है तो दे सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो नेक्स्ट वाला जो प्रोग्राम था इफ एल्स का, इफ एल्स के बाद नेक्स्ट वाला प्रोग्राम जो है अभी यहाँ पे, इफ एल्स इफ एंड एल्स, ऐसे तीन पार्ट में प्रोग्राम को डिवाइड किया है। गो टूवर्ड द पेज नंबर 73। अभी 73 पेज नंबर पे एक प्रोग्राम दिया है, पेज नंबर 73 प्रोग्राम देखो, यहाँ पे इफ एंड एल्स ऐसे तीन पार्ट में प्रोग्राम को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट देखो आप, अगेन दो वेरिएबल है, वेर यूजर आईडी वेर पासवर्ड, यूजर आईडी इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, एंटर यूजर आईडी, प्रॉम्प्ट मतलब एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे यूजर आईडी एंटर करोगे, पासवर्ड प्रॉम्प्ट अगेन एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे आप पासवर्ड एंटर करोगे, इफ यूजर आईडी स्कूबा बॉब एंड पासवर्ड इज डाइविंग, इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन अलर्ट बॉक्स में आएगा वैलिड लॉगिन, इफ वाला कंडीशन चेक किया है। अभी उसके दूसरा पार्ट, एल्स इफ, एल्स इफ, हाँ एल्स मतलब अभी इफ वाले कंडीशन में दोनों ट्रू हो गए तो वो आया। अभी इसके उल्टा दूसरा पार्ट में हम सिर्फ यूजर आईडी चेक कर रहे हैं, अभी इफ यूजर आईडी इज इक्वल टू स्कूबा बॉब, इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पे हो सकता है कि यूजर आईडी बराबर दिया था लेकिन पासवर्ड गलत होगा। यूजर आईडी बराबर दिया था स्कूबा बॉब लेकिन पासवर्ड गलत था, तो उस टाइम पे इनवैलिड पासवर्ड करके मैसेज आएगा। और दूसरा रहेगा कि ऊपर वाले देखो, इफ कंडीशन में दोनों कंडीशन चेक किए हैं, एल्स इफ में सिर्फ यूजर आईडी चेक किया है, और एल्स लास्ट वाला एल्स में सिर्फ पासवर्ड चेक, यूजर आईडी चेक किया है। अभी हो सकता है कि पासवर्ड करेक्ट हो और आपका यूजर आईडी रॉन्ग दिया था, तो वहाँ पे आप मैसेज प्रिंट करोगे इनवैलिड यूजर आईडी। तो ये वाला प्रोग्राम आपको समझ में आ रहा है? या इस वाले प्रोग्राम में देखो आप, पहले इफ कंडीशन, यूजर आईडी स्कूबा बॉब एंड पासवर्ड वैलिड लॉगिन, एल्स इफ में सिर्फ यूजर आईडी चेक किया, पास यूजर आईडी करेक्ट है तो ठीक है लेकिन पासवर्ड गलत है इसलिए इनवैलिड पासवर्ड, और एल्स वाले पार्ट में इनवैलिड यूजर आईडी। नेक्स्ट जाते हैं हम, अभी इफ एल्स के बहुत सारे पार्ट हो चुके हैं हमारे, नेस्टेड इफ बताती हूँ मैं आपको। नेस्टेड इफ रहेगा पेज नंबर 78। अभी ये पेज नंबर 77 से प्रोग्राम एक स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 77 से एक प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, इफ कंट्री कोड इज ग्रेटर देन 1, पहला इफ चेक होगा। अभी सभी को विजिबल है? पेज नंबर 78, हेलो, तो पेज नंबर 78 में नेस्टेड इफ है, नेस्टेड मतलब मल्टीपल इफ आर देयर, पहले सबसे पहले इफ में कंट्री कोड चेक किया है, इफ कंट्री कोड इज ग्रेटर देन 1, कंट्री कोड जो दिया है वो एक वन से ग्रेटर है या नहीं, अगर है तो पहला ही कंडीशन रॉन्ग रहा तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, तो यही से एग्जिट हो जाएगा, अगर ट्रू रहेगा तो नेक्स्ट इफ में आएगा। इफ पोस्टल कोड इज ग्रेटर देन 1,
अगर पोस्टल कोड भी ग्रेटर देन वन रहा तो अगेन अंदर वाले इफ में जाएगा। इफ कंट्री कोड इज वैलिड इज इक्वल टू वैलिड एंड इफ पोस्टल कोड वैलिड इज इक्वल टू वैलिड। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट इसमें कंट्री कोड ग्रेटर देन वन, पोस्टल कोड वन चेक किया है, फिर कंट्री कोड वैलिड है क्या, देन चेक किया पोस्टल कोड वैलिड है क्या। अभी ये सारे चार कंडीशंस ट्रू हो गए तो उसमें लिखेंगे वैलिड कंट्री कोड एंड वैलिड पोस्टल कोड। इस एल्स वाले पार्ट में क्या आएगा, इनवैलिड पोस्टल कोड, इनवैलिड कंट्री कोड, देन एल्स अगेन पोस्टल कोड इज ब्लैंक एंड कंट्री कोड इज ब्लैंक। तो ये वाले जो वन बाय वन लिखे हैं ना, ये जैसे इफ वन बाय वन आप अंदर जा रहे हो उसी का एल्स वाला पार्ट एक एक करके आउटसाइड में लिखते गए हैं। आप प्रोग्राम को सिर्फ पहले से अगर स्टार्ट करेंगे तो कंट्री कोड ग्रेटर देन वन अगर लिखा तो उसका एल्स पार्ट आप उसी टाइम पे लिख लेना, कंट्री कोड इज ब्लैंक। जैसे ही आपने इफ पोस्टल कोड ग्रेटर देन वन लिखा तभी उसका एल्स पार्ट लिख देना, पोस्टल कोड इज ब्लैंक। कंट्री कोड वैलिड लिखा है तो उसके नीचे उसका एल्स पार्ट लिख देना, इनवैलिड कंट्री कोड। पोस्टल कोड वैलिड लिखा तो नीचे लिख देना इनवैलिड पोस्टल कोड। तो इस प्रोग्राम में मल्टीपल इफ एल्स है, मल्टीपल इफ एल्स। प्रोग्राम को 2 मिनट देखो आप, अगर मैं जो बता रही हूँ वो नहीं समझ में आ रहा है ना, तो सिर्फ जितने इफ आए ना ऊपर उतना उसका एल्स पार्ट में उसके उल्टे वाला स्टेटमेंट प्रिंट करते गए हैं मैसेज। 2 मिनट देखो आप प्रोग्राम को, जिनको नहीं समझ में आएगा मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, पढ़ा आप लोगों ने प्रोग्राम, तो इफ एल्स वाला पार्ट सभी को समझ में आ गया। इफ एल्स कैसे डिक्लेयर करना है, इफ एल्स वाला पार्ट समझा। इफ एल्स अगर क्लियर है तो नेक्स्ट हम स्विच केस की तरफ जाते हैं। अभी स्विच केस, स्विच केस पेज नंबर, पेज नंबर 83 पे एक प्रोग्राम दिया है स्विच केस का। आप सभी को पता है ना स्विच केस, हेलो सभी को स्विच केस पता है। स्विच केस में केस वन, केस टू, केस थ्री इस तरह से केसेस रहते हैं, और जिस केस के साथ वो वाला सिंटेक्स मैच हो जाएगा तो सिर्फ अप्रोप्रिएट हम क्या करते हैं उसके अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट करते हैं। सेम जैसे सी प्लस प्लस में हो रहा था, सी में हो रहा था, वैसे ही हमें यहाँ पे केस, स्विच केस भी हम जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। उसका एक प्रोग्राम देखते हैं अभी। ओके, कोड में देखो अभी आप यहाँ पे भी अगेन हेडर वाले पार्ट में टाइटल दिया है स्विच केस, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दिया है बॉडी वाले पार्ट में जावास्क्रिप्ट। अभी वायर सिलेक्शन, वायर करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जहाँ पे सिलेक्शन के अंदर हमने प्रॉम्प्ट, एंटर अ नंबर बिटवीन 1 टू 10, प्रॉम्प्ट मतलब एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसके अंदर ओके कैंसिल ऐसे 2 बटन होंगे और आपको 1 टू 10 में से कोई एक नंबर आपको इंसर्ट करना है। तो नीचे देखो उसी प्रोग्राम के नीचे एक डायलॉग बॉक्स भी दिख रहा है और डायलॉग बॉक्स में 1 इंसर्ट किया है, 1। तो यहाँ पे क्या किया है कि जो भी नंबर आपने इंसर्ट किया है उसको वो वाले नंबर के बाद नेक्स्ट लाइन पे आता है स्विच सिलेक्शन। हेलो सभी का ध्यान है, समझ में आ रहा है क्या? देखो 1 इंसर्ट किया है डायलॉग बॉक्स में, प्रॉम्प्ट मैसेज में 1 इंसर्ट किया है और ऊपर हमने वेयर सिलेक्शन इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर एंटर अ नंबर बिटवीन 1 टू 10, तो 1 टू 10 के अंदर 1 नंबर इंसर्ट किया है। तो ये वाला होने के बाद, ये वाला पार्ट 1 इंसर्ट करने के बाद स्विच पे जाएगा, स्विच ब्रैकेट में आएगा सिलेक्शन, सिलेक्शन के अंदर वैल्यू कौन सा जाएगा, 1 जो आपने अभी इंसर्ट किया है वो 1। ओपनिंग ब्रैकेट में सबसे पहले केस के साथ वो 1 वाला वैल्यू मैच करेगा, केस 1। अगर 1 के साथ 1 वैल्यू मैच हो गई तो अलर्ट बॉक्स प्रिंट होगा नीचे, और नीचे प्रिंट होने के बाद आपका आंसर रहेगा यू एंटर्ड 1 एंड ब्रेक। फिर वहां से वो उस केस से वो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे आपका स्विच केस से वो बाहर निकल जाएगा।
अगर पहला नंबर आपने नहीं डाला होता, टू डाला होता, इफ यू इंसर्ट टू दैट टाइम यू एंटर टू, और उसके बाद वन और टू के लिए केसेस लिखे और बाकी डिफॉल्ट लिखा है यू एंटर्ड, योर एंट्री इज इनवैलिड करके एक डिफॉल्ट मैसेज वहाँ पे प्रिंट किया है। तो ये जैसे आपने सी सी प्लस प्लस में आप स्विच केस लिखते थे वैसे ही यहाँ पे स्विच केस दिया है। स्विच केस का प्रोग्राम देखो आप, 2 मिनट समय में आ रहा है क्या मुझे बताओ। ये प्रोग्राम रन करने के बाद उसका आउटपुट जो है वो नेक्स्ट पेज भी दिया है। नेक्स्ट पेज देखो आप, ठीक है, यहाँ पे आपका स्विच केस वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ, समझा सभी को स्विच केस। स्विच केस कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? जस्ट रिप्लाई योर आंसर। आप ऐसे सिर्फ अटेंडेंस के लिए लॉग इन करके बैठ जाते हो क्या? सुनते हो कि नहीं मेरे आवाज में? बीच में कुछ बोल रही हो, कुछ क्वेश्चन कर रही हो। ठीक है, नेक्स्ट इज द फॉर लूप। फॉर लूप जो रहता है पेज नंबर 87, फॉर लूप भी आपको पता है। पेज नंबर 87 पे एक प्रोग्राम दिया है, पेज नंबर 87। अभी जब प्रोग्राम फॉर लूप का भी आपको पता है कि वहाँ पे कंडीशंस होते हैं। पहले तो इनिशियलाइजेशन होता है, फिर एक कंडीशन होता है, फिर उसको इंक्रीमेंट करते हैं। आई प्लस प्लस, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, इस तरह से फॉर लूप के कंडीशंस होते हैं। और अगर हमें कोई स्टेटमेंट नंबर ऑफ टाइम्स अगर प्रिंट करना है तो उस टाइम पे हम नॉर्मली फॉर लूप यूज करते हैं। ये सभी को आपको पता है, वही वाला कंसेप्ट अभी जावास्क्रिप्ट में कैसे करते हैं उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हेडर पार्ट में टाइटल दिया है फॉर लूप, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, देन बॉडी वाले पार्ट में पहले स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। अभी यहाँ पे प्रोग्राम आपका स्टार्ट हुआ, फॉर फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू इनिशियली 0 रखा है एंड कंडीशन इज आई लेस देन 5 एंड इट इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। और जितने टाइम तक ये 5 नहीं होता है तब तक हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट राइट, मतलब एक डॉक्यूमेंट वेब पेज पे राइट होगा। क्या राइट होगा? राइट इज अ मेथड, आई प्लस 1, आई विल बी कीप क्वाइट इन क्लास, देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी आर। तो एक एक लाइन वो छोड़ेगा और नेक्स्ट पे नेक्स्ट लाइन पे उसको प्रिंट करते जाएगा। तो आई प्लस 1, तो पहले वैल्यू 0 थी, 0 प्लस 1 मतलब 1 आएगा, तो 1 लिखेगा और 1 के बाद वो मैसेज प्रिंट करेगा आई विल कीप क्वाइट इन क्लास। देन अगेन आई प्लस होगा, आई प्लस होने के बाद अभी 2 हो जाएगा, तो पहले 1 आई विल कीप क्वाइट इन क्लास, 2 आई विल कीप क्वाइट इन क्लास, 3 आई विल कीप क्वाइट इन क्लास, 4 आई विल कीप क्वाइट इन क्लास एंड 5 आई विल बी कीप क्वाइट इन क्लास। तो हर लाइन के बाद एक एक नेक्स्ट लाइन के लिए बी आर दिया था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी आर। ओके, तो ये वाला आपका 5 टाइम्स आपको एक स्टेटमेंट प्रिंट करना था, 5 टाइम विथ डिफरेंट आई वैल्यू। तो यहाँ पे आई की वैल्यू प्लस प्लस भी हुई और उसके साथ आपने वो 5 टाइम्स वो मैसेज भी प्रिंट किया। तो ये था आपका फॉर लूप का प्रोग्राम। सभी को फॉर लूप का प्रोग्राम समझ में आ रहा है? डिक्लेरेशन, आई आई तो डिक्लेयर किया है ना, आई इज इक्वल टू 0 तो लिखा है वहां पे। उसके लिए आपको प्रोग्राम रन करके देखना है। प्रोग्राम रन करोगे, रन करने के बाद मुझे बताओगे कि मैडम ये यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0 दिया था, हमने वैसे के वैसे लिखा लेकिन आई इज इक्वल टू 0 के बाद प्रोग्राम नहीं हुआ या हुआ, वो आपको वेरीफाई करना है।
मैं आपको क्या कर रही हूँ, आप वन साइड लर्नर हो रहे हो क्या? मतलब ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है यहाँ पे, आप दिख भी नहीं रहे हो कौन क्या कर रहा है। लेकिन मैं जो पढ़ा रही हूँ वो कुछ लोग सुनते हैं या नहीं है वो भी मुझे समझ नहीं आता है। लेकिन आपका जो जो भी एक्नोलेजमेंट है वो कैसे आएगा जब आप एक्चुअल में ये प्रोग्राम रन करोगे? रन करने के बाद आपको कोई क्वेरी रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद आप मुझे पोस्ट करोगे कि मैडम इसमें आंसर ये हुआ था या फिर हमने ये प्रोग्राम किया था, तब जाके मुझे समझ में आएगा कि एक्चुअल आपने लेक्चर अटेंड किया, एग्जाम्पल्स देखा, एग्जाम्पल को टाइप किया, रन किया, बुक को पढ़ा, देन मुझे समझ में आएगा ना कि आप सीरियसली लेक्चर अटेंड कर रहे हो। अभी ये वाले प्रोग्राम में आपका आई 5 टाइम्स लूप चलाया था, अभी यहाँ पे आई जो है, आई का टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। आई इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ अ वेरिएबल लिया है यहाँ पे। और वेरिएबल आपको मैंने कल भी बताया था कि वेरिएबल इज यूज टू डिक्लेयर, टू स्टोर द वैल्यू टेम्प। जैसे हमें एक मेमोरी स्पेस बनाते हैं जहाँ पे वैल्यू होल्ड करते हैं, और अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो वेरिएबल के पहले हमारा वर्ड हमेशा आता है वैर। अभी नेक्स्ट पेज में देखो आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। उसी के नेक्स्ट पेज पे पहला पेज नंबर 88 पे दिया है वेर आई इज इक्वल टू 0 फॉर, अगर आपको पहला कंडीशन ऑलरेडी आपने डिक्लेयर कर दिया है वेर आई इज इक्वल टू 0, देन फॉर लूप में क्या लिखोगे आप? सेमी कोलन आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस। और वैसे ही अगर जो भी आई प्लस प्लस वाला पार्ट जो है वो ऑलरेडी आपने अगर लूप में दिया है, पेज नंबर 88 देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे आपके क्वेश्चन के आंसर दिए कल्पक एंड विवेक। यहाँ पे जब हम आई को यूज करना है या नहीं है, जस्ट वन बाय वन जाना है आप लोगों को, जल्दी में क्वेश्चन मत करो, वन बाय वन सारे क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे। जैसे आई वाला जो पार्ट है, अगेन इट इज अ वन टाइप ऑफ अ वेरिएबल, और वेरिएबल हमें पता है कि जब भी हम इतने पीछे अभी तक जितने प्रोग्राम देखे वहाँ पे परचेस प्राइस सेल्स टैक्स ये वाले वेरिएबल आए थे तो उसके पहले वैर लिखा था, तो आई के पहले भी वैर लिखना पड़ेगा। तो वहाँ वैसे ही आपने वैर लिखा है वैर आई इज इक्वल टू 0, फिर फॉर लूप दिया है, फॉर लूप में ऊपर ऑलरेडी इनिशियलाइजेशन हुआ है तो डायरेक्टली सेमी कोलन दिया है आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस। तो डॉक्यूमेंट राइट में आई प्लस 1 आई विल बी कीप क्वाइट इन क्लास, वही वाला फॉर्मेट है, थोड़ा सा अलग क्या चेंज किया, आई इज इक्वल टू 0 फॉर लूप में लिखा था तो आई इज इक्वल टू 0 वेर करके ऊपर अलग से लाइन में डिक्लेयर किया है। अभी नीचे वाले एग्जाम्पल में क्या किया है वेर आई इज इक्वल टू 0 फॉर, अभी यहाँ पे आई प्लस प्लस वाला कंडीशन जो है ना वो उस लूप के ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट में डाल दिया है, तो वहाँ पे फॉर लूप का इनिशियलाइजेशन पार्ट भी सेमी कोलन दिया है और उसका इंक्रीमेंटल पार्ट भी सेमी कोलन दे दिया है, मतलब दोनों भी पार्ट यहाँ पे एबसेंट है, सिर्फ आई लेस देन 5 कंडीशन दिया है। ये वाला कंडीशन जब तक चलेगा तब तक डॉक्यूमेंट राइट, डॉक्यूमेंट में राइट होते रहेगा आई प्लस 1 आई विल बी कीप क्वाइट इन अ क्लास आई प्लस प्लस। अभी आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हैं आई के? हेलो, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए क्या आई का? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर लूप के बाद, नेक्स्ट वाला जो लूप है फॉर लूप के बाद आता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में पेज नंबर 91, पेज नंबर 91 इज द व्हाइल लूप, और व्हाइल लूप के ऊपर अगेन एक प्रोग्राम दिया है। अभी देख देखो मैंने पहले इफ बताया, इफ एल्स बताया आप लोगों को, इफ के भी हमने बहुत सारे पार्ट देखे, इफ इफ एल्स, इफ एल्स इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, देन आपने उसके बाद फॉर लूप देखा, फॉर लूप के पहले हमने स्विच केस देखा, अभी हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे जहाँ पे दिया है व्हाइल लूप। ओके, एंड व्हाइल लूप इज ऑन पेज नंबर 91। व्हाइल लूप भी आप सभी को फैमिलियर हो आप व्हाइल लूप से?
वाइल मतलब जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तब तक वहां पे वो वाला जो भी स्टेटमेंट दिया है या फिर जो भी वैल्यू दी वो प्रिंट होती रहेगी। तो वाइल लूप में देखते हैं अभी। वाइल लूप अगेन एक प्रोग्राम दिया है जहाँ पे टाइटल दिया है, हेड में दिया है टाइटल में वाइल लूप, क्लोज द टाइटल, क्लोज हेड, बॉडी पार्ट में स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया वेयर आई इज इक्वल टू 1, आई की वैल्यू 1 डिक्लेयर कर दी। अभी यहाँ पे सिंपल वाइल कैसे लिखते हैं, जैसे हम सी में लिखते थे वैसे ही, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, जब तक आई की वैल्यू लेस देन 10 है तब तक हमें क्या प्रिंट करना है, डॉक्यूमेंट में राइट करना है आई, डॉक्यूमेंट में आई की वैल्यू राइट करते जाना है। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी आर, बी आर मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे वो ब्रेक नेक्स्ट लाइन पे उसको मूव करते रहेगा। और उसके बाद आई प्लस प्लस। और वाइल लूप में अभी देखो फर्स्ट टाइम तो आई की वैल्यू 1 है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू हमें चेक करने के लिए उसको इंक्रीमेंट तो करनी पड़ेगी, तो इंक्रीमेंट भी ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर दे दिया है। तो ये वाला प्रोग्राम जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई मतलब 1 to 10 नंबर्स आपके डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट होंगे, और बी आर की वजह से एक लाइन पे एक ही नंबर आपका प्रिंट होते जाएगा, हर लाइन के बाद वहाँ पे नेक्स्ट लाइन एंटर एंटर होते जाएगा। तो इसका जो आउटपुट है वो आपको दिखेगा पेज नंबर 93 के, पेज नंबर 93 पे इसका आउटपुट डिस्प्ले किया है, सीधा आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे बी आर दिया था तो बी आर की वजह से 1 2 3 4 के बाद हर लाइन के बाद वहाँ पे प्लस प्लस होते जाएगा। ठीक है, अभी और क्या पूछ रहे थे, हाँ व्हाइल वाले कंडीशन में, व्हाइल के कंडीशन जो है वो व्हाइल में सिर्फ हम व्हाइल लिखते हैं और ब्रैकेट में उसका कंडीशन देते हैं। तो यहाँ पे कोई इनिशियलाइजेशन तो ऊपर कर दिया था हमने, फॉर लूप के जैसे यहाँ पे 3 पार्ट देने की जरूरत नहीं होती है, व्हाइल में सिर्फ हमें कंडीशन देना पड़ता है, इनिशियलाइजेशन ऊपर करना पड़ता है, उसके बाद कंडीशन देना पड़ता है, और उसका जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट है वो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट में आता है। ठीक है, तो ये व्हाइल वाला प्रोग्राम था। देन नेक्स्ट इज द डू व्हाइल। तो डू व्हाइल वाला जो प्रोग्राम है नेक्स्ट दिया है, पेज नंबर 93 पे प्रोग्राम दिया है डू व्हाइल। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं अभी। तो डू व्हाइल, तो डू व्हाइल में आएगा डू करना, डू मतलब सबसे पहले वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है तब व्हाइल करके उसकी कंडीशन चेक होती है। और व्हाइल में क्या होता है, व्हाइल में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है देन वो पार्ट एग्जीक्यूट होता है। अभी इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल देखेंगे अभी हम। हेडर हेड पार्ट दिया है, अगेन टाइटल डू व्हाइल लूप टाइटल क्लोजिंग ब्रैकेट हेड। देन बॉडी वाले पार्ट में दिया है स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट। यहाँ पे वेरिएबल आई इज इक्वल टू 1 डिक्लेयर किया है। अभी लास्ट वाले प्रोग्राम में आपने देखा कि डायरेक्टली व्हाइल लिखा था, व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 10 दिया था। यहाँ पे डायरेक्टली व्हाइल नहीं लिखना पड़ेगा बिकॉज हम डू व्हाइल यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले डू आएगा, डू लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, डॉक्यूमेंट राइट आई। तो जैसे ही वहाँ पे डू आएगा तो डू आते बराबर डॉक्यूमेंट राइट, डॉक्यूमेंट के अंदर आई की वैल्यू लिखी जाएगी और आई को प्लस प्लस किया जाएगा। यहाँ पे देखो वहां पे उस वाले कंडीशन में, उस वाले वाइल में सबसे पहले कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो ही वो डॉक्यूमेंट में राइट हो रहा था, यहाँ पे कंडीशन बिना चेक किए पहले डॉक्यूमेंट में राइट हो रहा है, उसके बाद कंडीशन को ब्रैकेट के बाहर आने के बाद वो चेक कर रहा है फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा और आई लेस देन 10 जब तक नहीं है, और यहाँ पे जो व्हाइल की कंडीशन है डू ऊपर लिखा जाता है और व्हाइल की कंडीशन क्लोजिंग ब्रैकेट के पास व्हाइल की कंडीशन लिखी जाती है, तो उसे कहते हैं डू व्हाइल। तो इसका आंसर भी सेम वैसे ही आएगा, डॉक्यूमेंट राइट में 1 to 10 नंबर्स आएंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 1 to 10 नंबर्स प्रिंट होंगे। अभी लास्ट में एक ही कंडीशन स्टेटमेंट बाकी रह गया, वो रहा आपका कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू एक ही बाकी रह गया अभी कंडीशनल स्टेटमेंट में, इफ एल्स हो गया, स्विच हो गया, फॉर लूप, व्हाइल, डू व्हाइल एंड लास्ट वन इज द कंटिन्यू।
व्हाट इज कंटिन्यू। तो कंटिन्यू का मतलब क्या रहता है कि जैसे अभी प्रोग्राम में जाते हैं हम डायरेक्टली, तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे एक वेरिएबल आई इज इक्वल टू 0 डिक्लेयर किया है, एंड व्हाइल आई इज देन 5। अभी यहाँ पे वेरिएबल आई की वैल्यू पहले 0 डिक्लेयर किए है, और जब तक आई की वैल्यू लेस देन 5 नहीं होती, हमें आई को प्लस प्लस करते जाना है, और जैसे ही आई की वैल्यू 4 आ जाएगी तो कंटिन्यू करना है डॉक्यूमेंट राइट। तो भी इसका आंसर क्या आएगा, आप 2 मिनट सिर्फ कोड में देखना है और मुझे बताना है इसमें आंसर क्या आएगा। हेलो, आपको दिख रहा है क्या प्रोग्राम? ये प्रोग्राम को 2 मिनट ध्यान से देखना है आप लोगों को थोड़ा सा, और उसके बाद मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। डॉक्यूमेंट राइट कब हो रहा है वो उतनी वैल्यू आपको चेक करनी है, डॉक्यूमेंट राइट कब हो रहा है। क्या रहेगा आंसर? सभी लोग आंसर डाल रहे हैं। 0 1 2 3, 1 2 3। 0 कैसे आएगा? यहाँ पे तो पहले ही लाइन पे प्लस प्लस हो गया ना, और उसके पहले हमने आई को प्रिंट ही नहीं किया, तो 0 नहीं आएगा वहां पे। देखो वेरिएबल आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, आई इज इक्वल टू 0 देने के बाद व्हाइल आई लेस देन 5, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, यस, देन आई को प्लस प्लस कर दिया, इसी टाइम पे आई की वैल्यू 0 की जगह पे 1 हो गई। और जैसे ही 1 हो गई, तो 1 होने के बाद इफ आई इज इक्वल टू 4, आई की वैल्यू 4 नहीं है तो वो कंटिन्यू वाले पार्ट में जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्टली डॉक्यूमेंट राइट में क्या कर रहा है, 1, मतलब सबसे पहले लूप में आपका आंसर प्रिंट होगा 1, ठीक है, तो क्लोजिंग ब्रैकेट से फिर से ऊपर जाएगा व्हाइल कंडीशन। या भी यहाँ पे आई की वैल्यू अभी फिर से वो आई की वैल्यू 1 रहेगी, तो कंडीशन इज सेटिस्फाई, आई इज लेस देन 5, देन अगेन आई प्लस प्लस होगा तो वहाँ पे 2 हो जाएगा, तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, इफ आई इज इक्वल टू 4 तो वहाँ पे जाएगा ही नहीं, और डॉक्यूमेंट राइट मतलब 1 के बाद वहाँ पे 2 प्रिंट होगा, फिर 3 पे आएगा। 3 पे आने के बाद अगेन वो डॉक्यूमेंट राइट पे 3 इज नॉट इक्वल टू 4 तो कंटिन्यू पे जाएगा ही नहीं, 3 डॉक्यूमेंट राइट होगा, 3 आएगा, अगेन ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद अभी इस टाइम पे डॉक्यूमेंट की वैल्यू 4 है, मतलब 3 लेस देन 5 है, और आई प्लस प्लस करने के बाद उसकी वैल्यू हो गई 4, तो 4 इज इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू 4 जब आएगा तो सिर्फ कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू मतलब वो डायरेक्टली वहां से क्लोजिंग ब्रैकेट पे जाएगा, उसको डॉक्यूमेंट में राइट नहीं करेगा, और वो डायरेक्टली वो वैल्यू कंटिन्यू करके नेक्स्ट आई प्लस प्लस की तरफ जाएगा फिर से, तो वहां पे 4 नहीं प्रिंट होगा, जब 4 आने वाला है तो उस टाइम पे हमने इफ कंडीशन देके उसको रुका दिया है, हम 1 2 3 और 5 ये उसके आउटपुट आएंगे, 5 आएगा तो 5 भी प्रिंट होगा ना। देखो अभी ये 4 इज इक्वल टू 4 वाले पार्ट में डॉक्यूमेंट राइट में 4 नहीं होगा, तो फिर से क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद व्हाइल 4 इज लेस देन 5, यस, उसके बाद आई प्लस प्लस, तो 4 प्लस प्लस होने के बाद 5 हो जाएगा, एंड 5 इज इक्वल टू 4 नहीं तो कंटिन्यू वाला पार्ट नहीं रन होगा, वो डॉक्यूमेंट में राइट करेगा 5, तो आंसर आना चाहिए इसका 1 2 3 एंड 5। समझ में आ रहा है क्या? कंटिन्यू का मतलब क्या है कि हमें उस वाले को वो वाले लाइन आने के बाद कंटिन्यू जो नेक्स्ट लाइन है उसको कंटिन्यू करना है, वहां पे हमें एग्जीक्यूशन नहीं करना है, मतलब आगे नहीं जाना है। तो कंटिन्यू जो है कीवर्ड
इट इज द की वर्ड इंस्ट्रक्ट द ब्राउजर टू स्टॉप एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट विद इन द लूप इमिडिएटली एंड टू गो टू द टॉप ऑफ द लूप. जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट आएगा तो वह आपकी जो स्टेटमेंट से वो एग्जीक्यूशन करना स्टॉप कर देता है कंटिन्यू होने के बाद. जहाँ पे क्लोजिंग लूप आया उसके टॉप ऑफ द लूप में, मतलब कंडीशन जहाँ पे थी वहाँ पे जाता है और फिर से उस वाले पार्ट को एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है. तो ये था कंटिन्यू. अभी तक आपने बहुत सारे अभी तक आपने सारे कंडीशन स्टेटमेंट चेक किए, मैंने सभी प्रोग्राम्स भी बताए आपको. 1 मिनट, हम बाय W3 स्कूल के जो वेबसाइट है उस पे देखेंगे कि उसके कितने सारे प्रोग्राम्स है. उसके ऊपर जाके आपको नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, ई फेज वाले पार्ट्स सभी जितना है वो सभी रन करके देखना है. अभी चेक करना है आप लोगों को वेबसाइट क्या क्या दिए इसके रिलेटेड, ऑपरेटर के रिलेटेड और कंडीशनल स्टेटमेंट के रिलेटेड प्रोग्राम. जस्ट गो टू द W3 वेबसाइट, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल. अभी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में यहाँ पे जितने प्रोग्राम्स दिए वेरिएबल्स के दिए, देखो JS ऑपरेटर, एरिथमेटिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है. तो उसमें से कोई एक प्रोग्राम देखो, रन करके देखना है उसको, ठीक है. और ये वाले जो प्रोग्राम्स रहेंगे असाइनमेंट, असाइनमेंट का कोई प्रोग्राम होगा तो वो रन करके देखो. उसका एक एग्जाम्पल दिया रहता है, सैम्पल प्रोग्राम का एग्जाम्पल, ठीक है. देखो यहाँ पे भी दिया है द ऑपरेटर, ऑपरेटर में वेरिएबल एक्स की वैल्यू 10 दी थी, एक्स प्लस इज इक्वल टू 5, तो 10 प्लस 5 करके उसकी वैल्यू डॉक्यूमेंट में राइट किया है. तो डॉक्यूमेंट में राइट करने के बाद उसका आंसर लिखा है वहाँ पे 15. यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में आंसर प्रिंट नहीं किए है ना, इसलिए वहाँ पे प्रॉम्प्ट या फिर अलर्ट बॉक्स करके कुछ भी कोडिंग नहीं दिया है. आप प्रॉम्प्ट या अलर्ट बॉक्स यूज करके उसके डायलॉग बॉक्स में आंसर प्रिंट कर सकते हो. तो यहाँ पे डायरेक्टली गेट एलिमेंट जो भी है वो सारे एलिमेंट्स उस डॉक्यूमेंट के ऊपर डायरेक्टली राइट कर रहे हैं, ठीक है. तो आप लोग अलग अलग प्रोग्राम्स रन कर सकते हो. यहाँ पे बैक जाओ 1 मिनट. यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज हमने सेट की थी, वेरिएबल की प्रॉपर्टीज सेट करते, प्रॉपर्टीज भी बताया था मैंने आपको. तो जब आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हो तो असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल, और जब किसी वेरिएबल को आप प्रिंट करते हो तो उसको प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल. तो यहाँ पे जैसे वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 10 तो उसको वैल्यू असाइनमेंट हुआ, और उसी वैल्यू को हम किसी के साथ ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके या फिर कोई ऑपरेटर अप्लाई करके अगर उसको प्रिंट करते तो उसका हम उसकी वैल्यूज चेंज करके उसको प्रिंट करते. तो फर्स्ट वाला चैप्टर अगर आप देखोगे, फर्स्ट वाले चैप्टर में आपका जो भी कंसेप्ट था, क्या बोलते हैं आप, सिलेबस, सिलेबस वाइज जो भी कंसेप्ट थे वो सारे कंसेप्ट हमने नियर अबाउट यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं. आपके पास सिलेबस होगा तो देखो. ठीक है, मैं अभी आपको एक सिलेबस का देखो, ये था आपका फर्स्ट सिलेबस, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग. ठीक है, ये देखो ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है.
क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। सभी को विजिबल है स्क्रीन, सिलेबस दिख रहा है? मैंने क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का सिलेबस ओपन किया है, ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में था आपका फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, जो मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि डायनामिक वेब पेजेस बनाने के लिए वहाँ पे स्टाइल स्क्रिप्टिंग अप्लाई करने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज होता है, उसके बहुत सारे फीचर्स भी बताए थे। देन व्हाट इज ऑब्जेक्ट नेम, प्रॉपर्टी, मेथड, डॉट सिंटैक्स, मेन इवेंट, तो उसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है? देन ऑब्जेक्ट के हम प्रॉपर्टीज मेथड सेट कर सकते हैं डॉट सिंटैक्स को यूज करके। इवेंट हैंडलर होता है वहाँ पे। वैल्यूज और वेरिएबल्स में हमने वैल्यूज में न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, बुलियन, देन नल वैल्यू, स्ट्रिंग, दीज आर द टाइप्स ऑफ वैल्यूज हमने देखे थे। वेरिएबल को असाइन, ऑपरेटर और एक्सप्रेशन वाले पार्ट में सारे ऑपरेटर्स आपने देखे। ऑपरेटर्स में मैं आपको रिलेशनल ऑपरेटर, एरिथमेटिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर विथ एक्सप्रेशन, मतलब चेकिंग कैसे होता है वो बताया आपको। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। देन इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, इफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट, लूप में फॉर लूप देखा, व्हाइल देखा, डू व्हाइल देखा, कंटिन्यू देखा। एंड लास्ट वाला जो पार्ट है, सेटिंग प्रॉपर्टीज एंड डिलीटिंग प्रॉपर्टीज, तो सेट जैसे करते हैं, मतलब हम जिस टाइम पे हम वैल्यू असाइन करते हैं किसी वेरिएबल को, जिस टाइम पे हम वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो उसका वैल्यू सेट हो जाता है। वेरिएबल एक्स इज इक्वल 10, तो ये हो गया सेटिंग वेरिएबल। और या फिर आप उसके प्रॉपर्टीज सेट करते हो। प्रॉपर्टीज में मैंने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में आपको बताया था कि फॉर्म्स की विड्थ हम सेट करते हैं, फॉर्म्स की विड्थ सेट कर सकते हैं, फॉर्म्स का बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, तो ये उसके प्रॉपर्टीज हम सेटिंग करते हैं। प्रॉपर्टीज भी सेट कर सकते हैं या फिर उसकी वैल्यू सेटिंग कर सकते हैं। तो ये वाला पूरा जो था आपका फर्स्ट चैप्टर था। आई होप कि आपके फर्स्ट चैप्टर के सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। सिलेबस वाइज जो भी कंटेंट्स थे मैंने सभी कंसेप्ट आपके क्लियर कर लिए हैं, ठीक है? तो मे बी आपका सेकेंड चैप्टर बोर्ड से मैडम या फिर स्वप्निल सर, मे बी हो सकती हो। तो सेकेंड चैप्टर के बारे में आपको जो भी होगा वो आपके ग्रुप पे डाला जाएगा। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर सीएसएस का भी कंप्लीट कर दिया है, सेकेंड चैप्टर का देखते हैं अभी नेक्स्ट वाले वीक में क्या डिसाइड होता है। मैं भी अटेंडेंस लिंक शेयर करती हूँ, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट पुट योर मैसेज।
हेलो, फॉर इनका जैसे सेम है, वो वैसे ही रहता है फॉर लूप के जैसे, जहाँ पे आप फॉर कंडीशन देते हो ना, तो इन मतलब अंदर कब जाएगा, ब्रैकेट के अंदर कब जाएगा, वो वाला कंडीशंस वहाँ पे दिया रहता है। फॉर फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, इन, और इन के बाद वो कब अंदर, क्या क्या कौन से कंडीशन के ऊपर इन होगा और क्या क्या करेगा, तो उसको फॉर इन कंडीशन कहते हैं। सेम उसका सिंटेक्स थोड़ा सा अलग रहता है, थोड़ा सा फॉर का। आप डॉट जेएस फाइल अगर सेपरेट बना रहे हो और जेएस फाइल अगर स्क्रिप्टिंग में इंक्लूड कर रहे हो, तो वहाँ पे स्क्रिप्टिंग का सिर्फ आपको फाइल नेम मेंशन करना पड़ता है, स्क्रिप्ट का आपको उसका टाइप नेम जो आप लिखते हो ना अभी यहाँ पे, स्क्रिप्ट इज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट, ये वाला लिखने की, ये वाला सारा पार्ट जो रहता है वो आपके डॉट जेएस फाइल में आता है, और यहाँ पे इंक्लूड करते समय वो जेएस फाइल सिर्फ आपको मेन प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना पड़ता है। अटेंडेंस लिंक सेंड किया है मैंने, आप लोग अटेंडेंस हो रहा है कि वो चेक करो। अगर अटेंडेंस हो गया ओके बताओ मुझे, डन। ठीक है, आई होप आपको सीएसएस के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, जावास्क्रिप्ट के होंगे क्लियर। मैं मेरी तरफ से जितना कोशिश मैंने किया है कि एटलीस्ट आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो, मैंने वो सारे कंसेप्ट क्लियर करने की मेरे लेवल पे कोशिश की है। आप लोगों को फिर भी अगर कोई डाउट है, तो थोड़ा सा आपको नेट से, थोड़ा सा बुक से, आपको कंसेप्ट सारे क्लियर करने पड़ेंगे। ऊपर सेंड किया है मैंने अटेंडेंस लिंक, ठीक है, अटेंडेंस फिल करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी नहीं होंगी, तो मैं अभी एग्जिट हो रही हूँ, लॉग आउट कर रही हूँ मीटिंग, चलेगा? ओके।